नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सबका स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो 10% का कोटा जो है रिजर्वेशन दिया जाएगा वो किन किन लोगों को दिया जाएगा। ओके, तो वहां पर हम जो है इसी की बात करेंगे। और अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, अगर आपने ये पढ़ लिया है, तो आप वही मैं जानकारी दूंगा जो आप पढ़ चुके। ओके, तो यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, ये 2 तारीख को जो है वो जारी किया गया था। 2 तारीख जो दिनांक 2 जुलाई 2019 को, यानी कल की बात है ये। तो यहाँ से अगर हम भी देखें तो ये किन किन लोगों को जो है वो ये सुविधा प्राप्त होगी। तो यहाँ से देखा जाए तो ये देखोगे आप, आर्थिक रूप से कमजोर को जो है वो 10% का जो है आरक्षण सुविधा प्रदान की जाएगी। और आगे देखते हैं, यहाँ पर ये संशोधन दिया हुआ है तो ये हम कुछ पढ़ते नहीं है, इतना ये फालतू की जानकारी पढ़ने की जरूरत नहीं। चलिए ये देख लेते हैं हम एक बार। यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उक्त संविधान संशोधन अनुरूप मध्य प्रदेश के राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो संविधान अनुच्छेद 341 और 342 के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर संशोधित सूचना क्रमांक, ये कुछ देखने की जरूरत नहीं है, दिनांक 26 दिसंबर 1984 द्वारा विनिर्विष्ट अन्य पिछड़े वर्ग को प्रदत्त आरक्षण की परिधि में नहीं आते हैं। तो यहाँ पर ये जो है नहीं आते हैं, जो सरकारी संस्था है प्रवेश एवं शासकीय नौकरियों 10% जो है इसको दिया जाएगा। तो जो भी संस्थाएं हुई, इंस्टीट्यूट हुए, और जो नौकरी के लिए रिक्रूटमेंट जो भर्ती की जाती है उनमें जो है 10% जो है ये आरक्षण दिया जाएगा। तो ये लागू हो गया है, नौकरी और शिक्षा में जो है 10% आरक्षण लागू है। अब यहाँ पर आप देखोगे, निर्देश जारी के होने के दिनांक के से राज्य शासन के प्रत्येक स्थापना सीधे भर्ती प्रक्रम में उद्भूत होने के लिए रिक्ति पद उक्त आरक्षण प्रभावशाली है। तो ये कुछ जानकारी जरूरत नहीं है, ये आप पढ़ सकते हो बाकी। ओके, अब यहाँ से देखोगे किन किन लोगों को मिलेगा। ओके, तो यहाँ से जो है ऐसे परिवार जो जिनकी कुल वार्षिक आय जो है वो 8 लाख से कम है, तो बहुत से लोग इसमें शामिल हो जाएंगे। 8 लाख तो एक, अगर हम SI की भी बात करें तो उसकी भी नहीं होती 8 लाख। ओके, और जो वेतन कृषि व्यवसाय आदि में जो भी होगी तो उनको। बाकी अगर हम बात करें जमीन की, तो 5 एकड़ या उससे अधिक भूमि हो जिसके पास जिनके खसरे में 3 साल से लगातार बंजर हो। ओके, बंजर बंजर भूमि पड़ी हो तो उन लोगों को जो है वह भूमि इसमें शामिल नहीं होगी, तो इसमें शामिल नहीं होगा। और जिसके पास 1200 वर्ग फुट से अधिक आवासीय मकान या फ्लैट है तो उससे स्थिति में हो, या फिर और जिसके पास नगर पालिका क्षेत्र में ये वाली जो वर्ग फुट अधिक जो है फ्लैट हो या मकान हो तो ये जो है इसमें शामिल नहीं होंगे। और नगर परिषद क्षेत्र में जो है वो 1800 वर्ग फुट से ज़्यादा जो है मकान हुए फ्लैट हुए तो ये वाले जो हैं अगर इसके अंदर आते हैं तो ये शामिल नहीं होंगे। अब बात करें तो ये जो है आपको जो प्रमाण पत्र है ये तहसीलदार से जो निम्न स्तर के जो अधिकारी हैं तो उनसे जो है ये जारी किया जाएगा, उनके हस्ताक्षर होंगे। तो यही जो है इस यहाँ पर ये जानकारी दी हुई है। तो ये इसका फॉर्मेट दिया हुआ है, 2 जुलाई को जो है ये अपडेट हुआ था, तो मुझे लगा कि ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो है आप अगर इस के अंतर्गत आते हैं तो आप इसका लाभ उठा सकते हो। तो जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनकी 8 लाख से कम आय है, तो वो लोग आराम से जो कि किसमें SC ST हुए, अन्य OBC हुए, तो इस दायरे में जो आते हैं, जनरल को छोड़ के नहीं, SC ST OBC के दायरे में आने वाले को लाभ मिलेगा ही है। तो ये जो है जानकारी आपको पता होनी चाहिए थी, तो आप अगर इसके अंदर आते हो तो लाभ उठा सकते हो, क्योंकि इस टाइम जो है आपको पता ही है कि एक कंपटीशन में कितना कंपटीशन पेपर में जो है कितना कंपटीशन हो गया है। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही छोटा सा है, तो ये अपडेट था आज का। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वैन इससे लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें, और जल्दी ही जो है आपको पुलिस की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। क्योंकि आज ही मैंने, अगर आपने मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन किया है तो आप उसे ज्वाइन कर लें। वहाँ पर जो है वो PEB की साइट पर अगर आप गए हों, आज चेक किया हो, तो वहाँ पर क्या है
जो डेट है वहाँ से हटा दी गई है, तो देखते हैं वहाँ कहाँ क्या कैसा अपडेट होता है वहाँ पर, तो वो आपको देखने को मिल सकता है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए नाइस डे।